कवर को बनाने के लिए इस तरीके से मैंने पुरानी पैंट ली है। आपके पास कोई भी इस तरीके की पुरानी पैंट है, जीन्स की पैंट है, वो भी आप इसमें यूज कर सकते हैं। इस तरीके से लेग पोर्शन में से हम बनाएंगे। नीचे से यहाँ से हैमिंग की होती है, इसे आपको खोलना नहीं है, इसे ऐसे ही रहने देना है। यहाँ से हम पहले लंबाई में एक कट लगा लेते हैं। तो इस तरीके से लंबाई में ये मैं ले रही हूँ 21 इंच पे मैं कट लगा लूंगी। 21 इंच मैंने यहाँ से लिया, यहाँ से लेके 21 इंच, और इसे मैं कट करके अलग कर लूंगी। कट करके अलग कर लीजिए, ये मैंने कट करके अलग कर लिया। तो इस तरीके से मेरे पास एक पीस आ गया। अब हमें क्या करना है, तो ये हमारा इस तरीके से कट हो गया। तो इसका हम कवर बनाएंगे ऊपर का, इसके अंदर पिल्लो बनाने के लिए। उसके लिए मैं इस तरीके से पुरानी सलवार का मैंने कपड़ा लिया है, इसमें से मैं कपड़ा कटिंग करूंगी। तो ये इसके ऊपर रखना है आपको, ये रखा इसके ऊपर, इसी साइज की पहले इसे कट कर लीजिए। काम आ रहा है पिल्लो के लिए हो गया। तो पहले हम इसका कवर रेडी कर लेते हैं, फिर हम पिल्लो रेडी करेंगे। अब हमें इसके लिए क्या करना है, इसमें क्या करना है, यहां से हमें इसमें चुन्नट डालने हैं। लिया और ये जो ये वाली तरफ है, नीचे से बंद वाली तरफ नहीं, दूसरी तरफ है, यहां से इसे हम रनिंग स्टिच करके इसमें पूरे में गैदर्स डालेंगे। तो इस तरीके से देखिए, छोटा छोटा आपको रनिंग स्टिच करना है इसमें। यहां से मैं शुरू कर रही हूं, वापिस पूरा राउंड घुमाते हुए आपको यहीं पर आना है। इस तरीके से रनिंग स्टिच करते हुए जहां से हमने शुरू किया था हम वहीं पहुंच गए। यहां से धागा निकाल लीजिए और ये पूरे गैदर्स आ जाएंगे हमारे इस तरीके से। पूरे अच्छे से इसे अच्छे से टाइटली खींचने के बाद इस पे अच्छे से नॉट लगा लीजिए। ये मैंने इसे नॉट कर लिया, इसे कट करके अलग कर दीजिए इस तरीके से। अब यहाँ के लिए हमें पहले बटन बनाना है। अब हम इसके लिए बटन बनाते हैं। बटन बनाने के लिए देखिए, इस तरीके से प्लास्टिक का डब्बा, उसमें से मैंने सर्कल कट किया हुआ है। ये सर्कल मैंने इस तरीके से, आप प्लास्टिक का डब्बा या प्लास्टिक की बोतल में से कट कर सकते हैं। ये है 1/1/4 इंच का। अब हम इसका बटन बनाते हैं। ये लिया, इसके ऊपर इस तरीके से कोई भी कॉटन का कपड़ा, या आप कॉटन भी यूज कर सकते हैं ताकि ये थोड़ा फ्लफी सा बने बटन। उसके बाद ये कपड़े का टुकड़ा मैंने लिया, सेम पैंट वाला कपड़ा है, इसे रखना है इसके ऊपर इस तरीके से, और सुई और धागे से हम इसे पूरा प्रॉपरली, ये देखिए इस तरीके से बटन बनेगा हमारा। अब हम सुई धागे से इसे प्रॉपरली स्टिच कर लेते हैं। तो सुई और धागा लिया और इसे अच्छे से पीछे की तरफ से टांके लगा लीजिए। ये मैंने गोल घुमाया, अब इसे तो हमारा ये इस तरीके से बटन बन जाएगा। मैंने धागे को 2-3 बार घुमा दिया, इसे नॉट कर लीजिए अच्छे से ताकि हमारा खुले नहीं। इस तरीके से हमारा बटन बन गया। ये मैंने एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर लिया। अब इस बटन को हमें इसके ऊपर लगाना है। यहां से इसे पकड़िए इस तरीके से, अंदर को करते हुए इस बटन को इसके ऊपर रखना है और इसे हम पूरा बटन को इसके साथ स्टिच कर लेंगे। ये देखिए, बटन को मैंने अच्छे से सुई और धागे से इस तरीके से अटैच कर लिया। अब मैं धागे को अंदर की तरफ करके कट कर लेती हूँ। बस धागे को कट कर लीजिए नॉट लगा के। नॉट लगा लिया, इसे कट कर लीजिए इस तरीके।
था। अब मैंने इस तरीके से डोरी बनाई है, ये मैंने पैंट में से ही बनाई है, आप रेडीमेड भी यूज कर सकते हैं। अब हमें क्या करना है, जहां से इसकी हेमिंग है यहां से हम इसमें थोड़ा सा कट लगा देंगे ताकि हम इसमें डोरी डाल सकें। तो यहां से देखिए मैंने इस तरीके से इसे पकड़ा, चाहे तो आप थोड़ी सी सीम भी उधेड़ सकते हैं, नहीं तो इसमें छोटा सा हम इसमें ये मैंने छोटा सा इसमें इस तरीके से कट लगा दिया सिर्फ ऊपर ऊपर की तरफ। अब इस डोरी को सेफ्टी पिन से हम इसमें इंसर्ट कर लेंगे। इस तरीके से इसे डोरी को पूरा इंसर्ट कर लीजिए, इस तरीके से। तो ये मेरा कवर रेडी हो गया। अब हम पहले इसके अंदर के लिए बनाते हैं, तो इसे हम साइड पे रखते हैं। ये जो हमने लाइनिंग वाला कपड़ा लिया था ये लेना है इस तरीके से, यहां से लेके यहां तक इस पे सिलाई तरफ से मैंने इस पे सिलाई लगा ली। अब इसे सीधा कर लीजिए, ये मैंने इसे सीधा कर लिया। अब हमें सुई और धागा चाहिए, सिलाई लगा ली थी, अब इस तरीके से सुई में धागा लिया। जैसे पहले हमने चुन्नट डाले थे, इसमें हमें दोनों तरफ डालने, पहले हम एक तरफ डालेंगे इस तरीके से पकड़ते हुए, रनिंग स्टिच करना है जैसे पहले किया था सेम उसी तरीके से। पूरा रनिंग स्टिच करते हुए वापस यहां तक आ जाए, ये देखिए इस तरीके से जैसे हमने पहले डाले थे उसमें सेम उसी तरीके से। तो ये चुन्नट डल गए, अब इसे यहां से पक्का कर लीजिए, सुई और धागे से अच्छे से इस पे नॉट लगा दीजिए। ये मैंने कट कर दिया इस तरीके से। अब आपको क्या करना है, यहां से पहले हम इसे पूरा फिल करेंगे, फिर हम यहां से भी इसे बंद कर देंगे। तो फिल करने के लिए देखिए इस तरीके से मेरे पास पुरानी कतरने पड़ी हैं। आप पुराने कपड़े, पुरानी कतरन, पुराने कोई आपके पास पिल्लो पड़ा है उसकी रुई, कुछ भी आप इसमें आपके पास है इसमें आप फिल कर सकते हैं। तो इसे हम पूरा इस तरीके से कतरनों से फिल कर देंगे। ये देखिए मैंने इसमें पूरा इस तरीके से कतरनों को खूब अच्छे से टाइटली मैंने फिल कर लिया है, यहाँ से लिखे इस तरीके से। अब यहाँ से भी हमें जैसे हमने इस यहाँ से मोड़ा हुआ है इस तरीके से हम इस तरफ से भी इस पे सुई और धागे से इसे पूरा इस तरीके से वापस घूमते हुए यहीं तक आ जाएंगे। इस तरीके से बस इसे अच्छे से नॉट लगा के बंद कर लीजिए, तो ये हमारा पिल्लो रेडी हो जाएगा इस तरीके से। तो ये हमारा पिल्लो रेडी हो गया, कवर हमने पहले बनाया था, अब हम इसे इसके अंदर इंसर्ट कर देंगे। तो इस तरीके से हमारा रेडी हो गया। इस तरीके से पैंट में अलग अलग पैंटों से अलग अलग कलर्स में हम इसे बना सकते हैं। परफेक्ट फिट आ रहा है इस तरीके से, यहाँ से ड्रॉ स्ट्रिंग से इसे बांध दीजिए। तो ये मेरा कवर इस तरीके से बिल्कुल रेडी टू यूज़ है, बिल्कुल पिल्लो मेरा बिल्कुल रेडी हो गया है। जब भी वॉश करना है कवर निकाल के आप इसे इजीली वॉश कर सकते हैं, तो बिल्कुल रेडी हो गया है।